ये है भैया राजस्थान का कोहिनूर हीरा, और बात करें इसकी तो 10 सम्राट है। भंवर साहब पिपाड़ा इसके ओनर है, और अभी तिलवाड़ा में मेले में आया हुआ है। नमस्कार भंवर साहब। नमस्कार सरवन जी, नमस्कार, कैसे हो? बालोतरा में आपका बिल्कुल बिल्कुल, बालोतरा में रौनक लगा दी आपने तो यार। अरे नहीं, हैं राजस्थान का जो कोहिनूर हीरा है बिल्कुल, उसको लोगों को दिखाने ले आए। हैं बिल्कुल, सोचा थोड़ा घर से बाहर घुमा के ले आए। हाँ, थोड़े इसके भी पाँव उड़े हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखो अपने पास जो नायाब चीज है वो देखनी चाहिए, दुनिया को दिखाना ही चाहिए। तो भंवर साहब कब आ गए थे मेले में? कल आए थे, शाम को आया। अच्छा, कल शाम को आए थे। ये एक ही लेके आए हो या और भी आए हो? एक प्रभात का बच्चा और है इसके साथ। अच्छा, एक प्रभात का बच्चा है जी। अच्छा, और ये 10 सम्राट हो गया? ये तो 10 सम्राट काले काटे का हो गया, ये काटेदार है ना। हाँ। अच्छा अच्छा, अभी क्या एज हो गई होगी? 7 साल से थोड़ा ऊपर निकल गया। 7 साल से थोड़ा ऊपर है? हाँ, 2-3 महीने। अच्छा अच्छा अच्छा, घोड़े में एटीट्यूड जोरदार है साहब। हाँ, तो भंवर साहब यहाँ रिंग में लाए हो, क्या है विचार? अभी तो मेले में आए हैं, देखते हैं वो आगे की सिचुएशन। नहीं, अब की बार तो क्या है, पहले से सिचुएशन बना के चलनी पड़ती है मेले में इसमें, क्योंकि इस बार वो ग्लेंडर का थोड़ा सा चल रहा है ना अब की बार। हाँ बिल्कुल सर भाई, अब तो लोग क्या कंफ्यूज भी बहुत है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज। जोरदार साहब, जोरदार। बच्चे बच्चे तो काफी आ गए होंगे इसके? हाँ, काफी आए सर। हैं? हाँ, रिजल्ट भी अल्टीमेट आए हैं इसके साहब। काफी लोग मेरे को भी फोन करते हैं साहब इसके लिए। बिल्कुल, आपको आपके कॉल आते हैं मेरे पास कई बार। हाँ, काफी लोग कॉल करते हैं मेरे को भी साहब, ये घोड़ा कहाँ पे है, कैसा है। जोरदार साहब, जोरदार। कितनी हाइट होगी भंवर साहब की? सरवन भाई, ये हाइट हमारे जो स्केल है, हमारी स्केल के हिसाब से तो 65 से थोड़ा ऊपर है। अच्छा, सबकी अपनी अपनी स्केल है। अब वो अलग अलग स्केल होती है साहब। कुछ लोगों की अलग होती है, किसी की क्या होती है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से होती है। ये ब्रिड कहाँ हुआ था भंवर साहब? ये अपने घर पे ही हुआ था साहब। आपके घर पे ही? जब काला काटा इधर ही था तब? काटा था रणसी में। हाँ। अच्छा अच्छा, तो इसकी जो माँ है वो सरवन भाई मेरे पास ही थी। हाँ, और देवलोक हो गई वो तो। अच्छा, देवलोक हो गई है जी। आपके पास ही थी जी? कौन से लाइन की थी वो? वो मणि लाइन की थी। मणि लाइन जी? अच्छा, मणि लाइन भी बहुत बढ़िया लाइन है साहब जी। तो उसके और भी तो बच्चे आए होंगे ना उसमें सरवन भाई? उस के 3 बच्चे आए थे उस घोड़ी के, उस 4 सॉरी। अच्छा अच्छा, इसमें से एक कॉल्ट तो मेरे पास अभी खड़ा है। हाँ। एक फिल्ली थी जो मेरे पास सोफिया करके जो सबसे फर्स्ट फिल्ली आई थी। हम्म, वो देवलोक हो गई। एक फिल्ली थी वो मैंने सेल कर दी थी। अच्छा, तो मतलब इसके अलावा एक और है आपके पास उसी घोड़ी का? कॉल्ट और है जो मैंने महंत प्रतापपुरी जी बाबजी के रख रखा है। अच्छा अच्छा, बाबजी को भेंट किया था, वो अभी मेरे वहीं खड़ा है। अच्छा अच्छा, क्या रख रखी है भंवर साहब की ब्रीडिंग पीस आपने? 51,000। अच्छा, कहीं शो चैंपियन भी बना था ये? सर अपने लिए तो चैंपियन, घर का घोड़ा सबके लिए अपना चैंपियन ही होता है। बिल्कुल बात सही है आपकी, घर का घोड़ा तो हर एक कोई घोड़े के आगे अपने फेसबुक पे लिखते हैं चैंपियन ऑस्ट्रेलियन चैंपियन, और हर चैंपियन के बच्चे चैंपियन भी नहीं बनते साहब। घोड़ा देखो सर भाई, मैं चैंपियन बट इसका प्रोड्यूस बहुत अच्छा कर रहा है। बस वही तो है ना, बहुत अच्छे क्वालिटी। जो चैंपियन है घोड़े प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो ये घोड़ा प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल सर, मैं तो इस बात को मानता हूँ। और घोड़ा वही है जो अच्छा प्रोड्यूस करे, अच्छे बच्चे दे, अच्छे ब्रीड करे मतलब। और ब्रीड करने में और बच्चे देने में मतलब बहुत अच्छा है। मैंने इसके काफी रिजल्ट देखे हैं भंवर साहब, काफी इसके रिजल्ट देखे हैं मैंने भंवर साहब। मोबाइल नंबर बताओ आपके एक बार। 9588 973 903 903।
और सब घुमाओ इसको। आपकी कुटुंब का स्टेट बैठ।